जब भी ज़मीन से जुड़ी हुई कोई रेसिपी आपके लिए लेके आता हूँ, आप उसको बहुत पसंद करते हैं, वही पसंद भी करना चाहिए। हमेशा ऐसी ऐसी रेसिपी नहीं ढूंढनी चाहिए जो सब पसंद करते हैं, कुछ ऐसी रेसिपी भी होनी चाहिए जो गुम हो रही हो और कुछ ही लोगों को पता हो। तो मैं चाहता हूँ कुछ ही लोगों को क्यों, सबको पता होनी चाहिए ना भाई। तो इसलिए इस सीरीज में आज मैं लेके आया हूँ भट्ट की चुड़कानी, मेरी बहुत फेवरेट है, मेरे घर में सबकी फेवरेट है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपकी फेवरेट हो जाए। तो चलिए मिलके बनाते हैं भट्ट की चुड़कानी। कैसे हो मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शैबूपी आपका स्वागत करता हूँ अपनी ऑनर्स किचन में। तो ये है भट्ट की दाल, इसको इंग्लिश में कहा जाता है ब्लैक सोयाबीन। और इस दाल को मैंने अच्छी तरह से पानी से धो लिया है, एक दो पानी, उसके बाद में कपड़े पे डालकर इसको सुखा भी लिया है, क्योंकि हम इसको फ्राई करने जा रहे हैं। फ्राई करने के बाद में इसका टेस्ट बहुत अच्छा निखर के आता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ा चम्मच साबुत धनिया, सबसे पहले इसको हल्का सा क्रश कर लेंगे। उसके बाद में लहसुन, यहाँ पे हैं लगभग 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, और ये है 2 हरी मिर्च, ये ज़्यादा तीखी नहीं है, मुझे इस हरी मिर्च का एक जो कच्चापन स्मेल होती है वो चाहिए, तीखी वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसको बढ़िया सा एक मसाला तैयार कर लेते हैं, और ये बढ़िया सा यहाँ पे एक पेस्ट तैयार हो गया है, ये देखो हल्का सा दरदरा है। इसकी खुशबू आप लेके देखना, बहुत बढ़िया खुशबू आती है, इससे पूरा गेम चेंज हो जाता है सब्जी का। तो चलिए इसी मसाले को हम आगे यूज़ करेंगे। ये मसाला डाल दिया हमने एक बाउल में, और इसके अलावा और मसाले भी हम यहीं पे डाल देते हैं। हल्दी पाउडर है आधी छोटी चम्मच, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, एक छोटा चम्मच ही डाल रहे हैं क्योंकि हमने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। धनिया पाउडर 1.5 छोटे चम्मच। तो इसका बना लेते हैं एक पेस्ट। मसालों को जब हम इस तरह से भिगाते हैं तो वो फूल जाते हैं, और जब फूल जाते हैं तो उसके बाद में जब पकते हैं तो बहुत ही गजब का टेस्ट आता है। थोड़ा सा पानी इसमें भी डाल देते हैं क्योंकि कुछ भी चीज़ फेंकनी नहीं है। तो ये लीजिए हमारे मसाले यहाँ पे भीग चुके हैं। 2 मीडियम साइज के प्याज हमने लिए हैं, इसको हम चॉप कर लेंगे। इस रेसिपी के अंदर टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। भट्ट की चुड़कानी खास तौर से लोहे की कढ़ाई में बनाई जाती है, और ये लोहे की कढ़ाई आपको कुछ अलग लग रही होगी, ये खास तौर से मैंने अल्मोड़ा से मंगाई है। ये काफ़ी हैवी वेट है, लगभग इसका वज़न 2.5 से 3 किलो के आसपास है, तो खाना इसमें जलता ही नहीं है। और देखिए कितनी साफ़ है ये, और मैं इसको हमेशा गर्म करके रखता हूँ जिससे कि इसमें पानी नहीं रहता है, तो इसमें जंग भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सरसों का तेल डाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप घी में भी बना सकते हैं, इस रेसिपी को घी में भी बनाया जाता है, लेकिन आज हम सरसों का तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह से इसको गर्म होने देंगे। सरसों के तेल को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर दिया, और देखिए काफ़ी अच्छा धुआं भी आने लग गया है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है जिससे थोड़ा हल्का ठंडा हो जाए, तो तेल का टेम्परेचर यहाँ पर कम हो गया है। तो ये देखिए भट्ट की दाल मैं डायरेक्ट तेल में डाल रहा हूँ, ये गई तेल में, और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको भूनना है। अब गैस की फ्लेम को मैं ऑन भी कर लेता हूँ। तो लगातार इसको चलाना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनना है, और इसमें तड़कने की आवाज़ आनी चाहिए, हल्की सी दरार इसमें पड़नी चाहिए, तब ही ये भट्ट सही ढंग से भुना हुआ माना जाएगा। और ये देखो आवाज़ आ रही है, मम्मी बोलती हमेशा कि पट पट की ऐसी आवाज़ आनी चाहिए, अच्छी तरह से आवाज़ आनी चाहिए, और ये दरार पड़ने लग जाएगी। अभी तो स्टार्ट हुई है, आवाज़ आने दो। बिल्कुल फ्लेम को मैंने धीमा किया हुआ है और लगातार इसको चला रहा हूँ। ये लो आवाज़ सुनो आप इसकी, ये देखिए। और गैस की फ्लेम बिल्कुल भी तेज़ नहीं होनी चाहिए, अगर गैस की फ्लेम थोड़ी सी भी तेज़ हुई तो जलने लग जाएगा। ये ऐसी आवाज़ आने बहुत ज़रूरी है, तभी टेस्ट निकलेगा इसमें से। और ये देखिए यहाँ पर आपको स्मेल भी आने लग जाएगी, बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाएगी, और ये देखिए दरार इसमें पड़ने लग गई है। तो मतलब हमारे सारे भट्ट अच्छी तरह से फट गए हैं और सिक गए हैं। तो मैं यहाँ पे डालूँगा लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच गेहूँ के आटे के, 1, 2, 3 और 4, और इसको भी इसी तेल में अच्छी तरह से भूनना है। आटे का काम होगा कि इसको एक थिकनेस देगा, लेकिन आटे को भूनना बहुत अच्छी तरह है, इस बात का ध्यान रखना। आटा अगर कच्चा रह गया तो फिर भी अच्छी नहीं बनेगी, इसकी भुनाई भी अच्छी होनी चाहिए, और वो भी लो फ्लेम पे। लगभग 1 से 2 मिनट के अंदर हमारा जो आटा है वो भी भुन जाता है। गैस की फ्लेम को मैं एक बार बंद कर देता हूँ और फटाफट से इसको निकाल लेता हूँ, वरना आटा जलने लग जाएगा। अब इसको बाहर निकाल लेते हैं। हल्का सा देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है,
उसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पे दो बड़े चम्मच सरसों के तेल दोबारा डाल लिया है। इसको अच्छी तरह गर्म होने देंगे। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, तो अब एक छोटा चम्मच जीरा जिसको चटकने देंगे। चटकने की आवाज़ थोड़ी सी कम हो जाए तो आधा छोटा चम्मच हींग, और हींग डालते ही प्याज, और इसको भून लेते हैं हाई हीट पे। ऐसे आवाज़ आनी चाहिए इस तरह से, जो आवाज़ आ रही है ये देखो, ऐसी आवाज़ आनी चाहिए तड़का मारते टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए प्याज लाइटली ब्राउन हो गया है, पूरी तरह से ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है इसको। तो अब यहाँ पे डाल देते हैं हम वो मसाला जो हमने अभी घोल के रखा था। मसाले को पका लेते हैं धीमी धीमी आँच पे, और ये देखिए ऑयल चमकने लग गया है। अब ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑयल पूरा निकल जाएगा तभी हम माने कि मसाला पक गया है। जब मसाला डार्क कलर का हो जाए और दरदरा हो जाए तो भी मसाला पक जाता है। तो यहाँ पे मसाला हमारा पक गया है, अब हम यहाँ पे बाकी चीज़ें डालते हैं। आटे के साथ में हमने भट भुने थे, यहाँ पर ऐड कर देते हैं और इसको भूनते हैं। अब पानी हमने गर्म करा हुआ है, अब धीरे धीरे करके पानी डालेंगे। पानी एक साथ नहीं डालना वरना लम्स पड़ जाएंगे। देखिए पानी कैसे डाल रहा हूँ मैं, धीरे धीरे करके और लगातार इसको स्टर करता जा रहा हूँ। ये देखिए और गाढ़ा भी होता जा रहा है, रुकना नहीं है हमको, लगातार इसको स्टर करना है वरना इसमें लम्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे अब कोई लम्स नहीं पड़ने वाले हैं, पूरा पतला हो गया है, लेकिन पानी इसमें भरपूर मात्रा में जाएगा। लगभग 1 से 1.25 लीटर के आसपास पानी चला जाएगा, क्योंकि भट को पकाना है अभी। तो यहाँ पे मीडियम हीट पे इसको पकने देंगे अभी, तो एक उबाल का इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पे एक उबाल आ चुका है, लेकिन देखिए अभी थोड़ी सी पतली है और थोड़ी गाढ़ी भी होगी। जो भट है वो हमने तेल में फ्राई किए थे, पक तो गए हैं लेकिन ये सॉफ्ट थोड़े हो जाएंगे पानी के साथ में। तो इसको पकने देते हैं लगभग 15 मिनट के लिए। पहले नमक डाल देते हैं, तो नमक डलेगा यहाँ पर स्वाद अनुसार, और मीडियम हीट पर इसको अब चलने दीजिए। तो यहाँ पर लगभग 15 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए कलर कितना अच्छा है, मतलब कढ़ाई ने भी अपना कलर छोड़ दिया है, ये देखो। और ये थिक भी हो गई, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती है, ये देखिए। अगर आपको इससे भी ज़्यादा गाढ़ी चाहिए तो आप थोड़ा सा आटे की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट है। भट भी अंदर तक सॉफ्ट हो चुके हैं, तो खाने में बड़ा मज़ा आएगा इनको। चलिए यहाँ पर ये डन हो गया है, अब एक चीज़ और डाल देते हैं इसमें, और अंत में जाएगा ये धनिया श्रद्धा अनुसार। इसमें कोई गरम मसाला डालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो भट की दाल है उसका अपना एक फ्लेवर है। तो ये लहसुन मिर्ची और भट की दाल तीनों का कॉम्बिनेशन बन के तैयार हो चुका है, तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा भात गर्मा गर्म। भाई भट की चुड़कानी भात के साथ ही मज़ा आता है, वैसे आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं लेकिन मज़ा तो भात के साथ ही आता है। और ये रही हमारी भट की चुड़कानी, वाह इसकी भट की खुशबू बड़ी तेज़ आती है। अभी बहुत से लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा, ये गारंटी है। साथ में दो तीखी तीखी सी मिर्चें, और ये रहा हमारा सलाद। ये लो जी तैयार हो गई प्लेट। भाई हमारा तो लंच यहाँ पे रेडी हो चुका है, भट की चुड़कानी और उसके साथ में भात। आपने अपना लंच तैयार किया नहीं किया जल्दी से देख लो। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।